आज का जो अपना टॉपिक है बिजी के अंदर, वो है कि अगर अपने को कोई इंडिविजुअल बिल अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो अपन किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए अपने को सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आप डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद आप जाएंगे डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल में, और यहाँ पर अभी अपने को कोई बिल को इम्पोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो अपन एक्सपोर्ट पर जाएंगे और उसके बाद अपन जाएंगे ट्रांजेक्शन्स पर। ट्रांजेक्शन पर जाएंगे तो आपके सामने ये विंडो अपेयर हो जाएगी। अब सपोज कीजिए कोई सेल्स का बिल है जिसको अपने को एक्सपोर्ट करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर ऑल कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेल की सीरीज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सीरीज है तो आपको यहाँ पर स्पेस बार दबाकर वो सीरीज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अभी जैसे मैं सीरीज सेलेक्ट कर लेता हूँ मेन, तो मेन में वो मेरा बिल है। उसके बाद मैंने डेट दे दी कि भाई 25/4 से लेकर के यहाँ पर 1 अक्टूबर तक जो भी बिल है वो सारे एक्सपोर्ट हो जाए, और वो एक पाथ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक पाथ दे रखा है सी बिजी विन, इस पाथ को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर प्रेस करके डी में, जैसे मैं देना चाहता हूँ उस पाथ को और ओपन करना चाहता हूँ तो वहाँ पर दे दूंगा। जैसे मैंने कहा कि जी मैं डी में डी डाटा में बिल को उसको सेव करना चाहता हूँ, तो ये मैंने कर दिया डी में डी डाटा, वहाँ पर ये सेव हो जाएगी जो भी 25 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर की सेल के बिल हैं, वो एक फाइल बन जाएगी DAT फाइल करके सेल्स की, और सीरीज अपन ने सेलेक्ट कर ही ली। उसके बाद आप सीधा सा एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और आपके प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गए। तो देखिए बिल्स काफ़ी बने हैं तो वो सक्सेसफुली हो गई है, इसको अपन ओके कर देते हैं। अब एक बार अपन 25 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक के सारे बिल देख लेते हैं। इसके लिए अपन डिस्प्ले पे जाएंगे, सेल रजिस्टर पे जाकर ऑल पार्टी कर जो अपनी सीरीज है मेन सीरीज, उसमें 25 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर के जो बिल एक्सपोर्ट अपन ने करे हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सारे बिल अपन ने एक्सपोर्ट करे हैं। अब इनको अगर आपको वापस इंपोर्ट करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं, तो वही मैं आपको तरीका बता रहा था। मान लीजिए कि ये बिल हैं, ये आपको कहीं और डालने हैं या इसी कंपनी में डालने हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस पूरा काम आता है। अभी ये बिल अपन एक्सपोर्ट तो कर ही चुके हैं, वो अपन देख लेते हैं। अपन ने करा था डी में, डी में अपन ने करा था डी डाटा में। डी डाटा में आप देखिए ये वाली फाइल 19 अक्टूबर को जो अपन ने बनाई, ये वाली फाइल थी अपनी DAT फाइल। ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कहाँ एक्सपोर्ट करें। अब ये वाली फाइल आप जहाँ पर भी इंपोर्ट करेंगे वहाँ ये बिल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, चाहे आप इस कंपनी में करें या अलग कंपनी में करें अपनी प्रैक्टिकली सुविधा के अनुसार। अब सपोज करते हैं ये बिल मेरे डिलीट हो गए, अब ये बिल मेरे पास है नहीं। अब इसके लिए लेकिन अपने पास एक पाथ अवेलेबल है जो अपन ने इन बिलों को इंपोर्ट करके रखा हुआ है, वो DAT फाइल ये वाली। तो इस फाइल को जैसे अपन यहाँ पर वापस इंपोर्ट करेंगे बिल सारे आ जाएंगे, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। इसके लिए अपन वापस आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आप डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जाएंगे, और यहीं से अपन ने बिल को एक्सपोर्ट किया था और यहीं से अपन इंपोर्ट करेंगे, तो अपन जाएंगे डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले ऑप्शंस पर ही। पहले बिल को एक्सपोर्ट किया था तो एक्सपोर्ट पर गए, अब अपन जाएंगे इम्पोर्ट पर। इम्पोर्ट पर जाएंगे तो सीधा सिंपल आपसे पाथ पूछेगा, तो पाथ अपने पास अवेलेबल है ही है, डी में है वो डी डाटा, एक मिनट, डी में डी डाटा और ये वाला, ये रहा वो DAT फाइल। ये आप जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 बिल ऑलरेडी आ चुके हैं, इसको आप ओके करेंगे और ये बिल इजीली इंपोर्ट हो जाएंगे। बस इसका प्रोसेसिंग अगर आप सही रखेंगे तो इजीली कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये अपने सक्सेसफुली हो गई है। आइए इसको अपन एक बार देख लेते हैं। डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स रजिस्टर, और वही मैं सीरीज ले लूँगा 25 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक के। ये देखिए सारे बिल वापस आ गए। तो इस तरीके से आप सुविधा अनुसार इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपको ये बिल और किसी जगह पर ले जाने पड़ते हैं तो ये ऑप्शंस आपके काम आएगा। अगर आपको ये बेस क्लियर हो गया तो इसको आप इजीली घुमा फिरा के मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं सेल्स में, ठीक है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बिजी के वीडियो डालता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।